हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर सा हमारा ये डिज़ाइन है, बनाने में भी ये बहुत सी इजी डिज़ाइन है। तो ये जो हम डिज़ाइन है ये हम लेडीज़ के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, जैसे कि लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, बेबी टॉप में, जो हम लड़कियाँ जो जींस पे डालते हैं उस टॉप में, कैप में, जेंट्स स्वेटर में, हाफ स्वेटर में, फुल स्वेटर में भी ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये जो हमारा डिज़ाइन है ये देखिए रॉन्ग साइड से कुछ इस तरह से दिखता है, और इसमें जो हम फंदे डालेंगे वो हम पाँच के मल्टीपल हम इसमें फंदे डालेंगे, तो ये हमारा डिज़ाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। ये हमारा डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई है, तो ये देखिए शुरू के दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, ये देखिए, फिर हम धागा पीछे करेंगे। अब ये देखिए जो हमारे ये तीन फंदे हैं, आप बॉर्डर बनाए या ना बनाए आप स्टार्ट से भी ये डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो देखिए जो हमारे ये फंदे हैं इनको तीनों को छोड़ के यहाँ से, ये देखिए इसके बराबर से हम ऐसे तीन फंदे छोड़ के यहाँ बराबर से हम ऐसे सिलाई डालेंगे और एक लंबे ऐसे लुपी निकाल के लेके आएंगे। ये देखिए लुपी निकालेंगे, फिर उसके बाद हम एक बार ऐसे धागा लपेटेंगे, और अब हम इन तीनों फंदों को पीछे की साइड से तीन का एक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर धागा आगे करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे इसी तरह से। फिर ये देखिए जो हमारे ये तीन फंदे हैं तो हमने यहाँ से ऐसे सिलाई डालनी है, और यहाँ से हमने एक ऐसे लंबी लूपी बना लेनी है, फिर हम ऐसे एक बार धागा लपेटेंगे और फिर इन तीनों फंदों को एक सिलाई में पीछे की साइड से तीनों फंदों का एक कर देंगे। पहली सिलाई जो है वो हमने इसी तरह से बनानी है, दो फंदे फिर हम उल्टे बनाएंगे, फिर से हम तीन फंदे ऐसे छोड़ेंगे और यहाँ से हम ऐसे सिलाई डालेंगे और एक लंबी लूपी ऐसे निकाल लेंगे, फिर एक बार हम ऐसे धागा लपेटेंगे और तीन फंदों का हम पीछे की साइड से तीन फंदों का एक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से हम जो ये तीन फंदे हैं इनको छोड़ के हम यहाँ से हम ऐसे ऐसे सिलाई डालेंगे और एक यहाँ से हम लंबी लूपी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ एक धागा ऐसे लपेटेंगे और अब तीनों फंदों को हम पीछे की साइड से तीनों फंदों का एक कर देंगे। धागा अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये देखिए तीन फंदे जो हमारे हैं इनको छोड़ के हमने यहाँ से सिलाई डालनी है और ऐसे एक लंबी लूपी सी हमने ऐसे निकाल लेनी है, उसके बाद ऐसे हम धागा लपेटेंगे और फिर हम तीन फंदों का पीछे की साइड से एक कर देंगे। धागा आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे। हमने पूरी सिलाई जो है पहले इसी तरह से निकाल लेनी है। ये देखिए तीन फंदे फिर हम ऐसे छोड़ेंगे और यहाँ से हम एक सिलाई ऐसे एक लंबी लूपी निकालेंगे, फिर हम एक बार धागा ऐसे लपेटेंगे, फिर तीन फंदों का हम एक कर देंगे पीछे की साइड से। अब दो फंदे उल्टे बनाएंगे, शुरू में भी हमारे दो फंदे उल्टे हैं तो हमारे लास्ट में भी दो फंदे उल्टे आएंगे। अब ये देखिए हमारी दूसरी सिलाई है और ये रॉन्ग साइड है, तो जो हमारे इधर से जो हमारे उल्टे फंदे हैं वो हम सीधे बनाएंगे। दो फंदे हमने सीधे बना लेने हैं, धागा अपनी साइड करेंगे और अब हम ये देखिए एक और ये दो, दो फंदे हमने उल्टे बनाए। जो ये हमने लूपी बनाई थी लंबी वाली इसको हम नहीं बनाएंगे, इसको हम स्लिप कर लेंगे इस तरह से, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, अब हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक और ये दो। ये देखिए जो हमारी ये लंबी हमने लूपी बनाई थी इसको हम नहीं बनाएंगे, इसको हम स्लिप कर देंगे। ये देखिए इस तरह से
धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर से हम ये देखिए दो फंदे उल्टे, एक फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे, फिर दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, ये वाला फंदा हम स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड करेंगे, अब दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे। लंबी लूपी वाले को हमने नहीं बनाना है, इसको हम स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे, ये वाला फंदा हम स्लिप कर देंगे, फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे। तो ये देखिए दो सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब आ गए हम अपनी तीसरी सिलाई पे। तो ये देखिए शुरू के दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। ये देखिए जो हमने ये लंबी लूपी बनाई थी तो इसको हम बनाएंगे नहीं, इसको हम इस सिलाई में भी स्लिप कर देंगे, तीसरी सिलाई में भी हमने इसको स्लिप करना है। दो फंदे सीधे बनाएंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हम स्लिप कर देंगे, फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे। लंबे लूपी वाले फंदे को हम स्लिप कर देंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर से हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हम स्लिप कर देंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए फिर से हम फंदे को स्लिप करेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे। अब ये देखिए अब आ गए हम अपनी चौथी सिलाई पे। तो ये देखिए दो फंदे सीधे, देखिए अब दो हमने उल्टे बनाए हैं। तो इस सिलाई में हमने क्या करना है, जो ये फंदा हमने स्लिप किया था इसको भी हमने उल्टा बनाना है। अब हम इस सिलाई में बनाएंगे दो फंदे सीधे और तीन फंदे उल्टे, फिर से दो फंदे सीधे, दो तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। अब जो हम स्लिप कर रहे थे दो फंदे, एक फंदा ये, उसको हम बना लेंगे। चौथी सिलाई हमने तीन फंदे सीधे, सॉरी दो फंदे सीधे और तीन फंदे उल्टे बना लेने हैं, तीन फंदे उल्टे और लास्ट के फिर दो फंदे सीधे। तो ये देखिए चार सिलाई का हमारा डिजाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से अगर आप डालते जाएंगे तो ये डिजाइन कुछ हमारा इस तरह से नजर आएगा, बहुत ही सुंदर सा हमारा ये डिजाइन बन के आता है। तो आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।